एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या आप भगवान को मानते हैं। मैंने कहा, उसने कहा कहाँ है भगवान, कौन है भगवान। मैंने कहा मैं जिस रूप में भगवान को जानता हूँ मानता हूँ उस रूप में मैंने माता पिता गुरु को ही भगवान माना है। और चूंकि सदगुरु कबीर भी कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई बलिहारी हुआ घट की जाघट प्रकट हो। ये जितनी भी समस्त सृष्टि है जितने भी इसमें जीव हैं सबके भीतर बैठा हुआ स्वयं परमात्मा है और इस नाते ये सब भगवान के ही रूप हैं। उसने कहा कोई माता पिता से जन्म लेने वाला भगवान कैसे हो सकता है, जो जन्म लिया है वो भगवान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप भगवान के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, आप भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। फिर उसने बड़े ही गर्व में पूछा, एक तरह से जैसे वो इस संबंध में बहुत बड़ा जानकार हो, कि भगवान का कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, जानते भी हैं भगवान के बारे में खुदा के बारे में। मैंने कहा इससे पहले कि मैं भगवान के संबंध में कुछ चर्चा करूं, और चूंकि आपने कहा है कि जो जन्म लेता है भगवान नहीं हो सकता, माता पिता से जन्म लेने वाला भगवान नहीं हो सकता, तो ठीक है, पर मैं आपका आशय जान लूं पहले कि भगवान के संबंध में जो आपका विचार है वो क्या है, और आप ये पहले बताएं कि भगवान का स्वरूप क्या है। उसने कहा भगवान निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं। मैंने पूछा ठीक है, हमने ये माना कि भगवान निराकार है, वो शक्ति निराकार है, तो दूसरा प्रश्न यह होता है कि जो निराकार है उसने ये बताया कैसे कि मैं निराकार हूं, और यदि आप ये जान रहे हैं तो आपने जाना कैसे कि वो निराकार है। दोनों के बीच में संबंध स्थापित किसने किया, यूं कहें कि भगवान और इंसान के बीच वो कौन है तीसरा व्यक्ति, वो जिसे हम पत्रकार संवाददाता कह लें एजेंट कह लें, वो कौन सा है, कौन है जो उधर की बात इधर और इधर की उधर, क्योंकि जो निराकार है वो आपकी बात सुन नहीं सकता, क्योंकि निराकार है मतलब कान नहीं होंगे, स्वाभाविक है, सुनने के लिए कान की आवश्यकता पड़ेगी, आँख नहीं होंगे देखने के लिए आँख की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अपनी बात यहाँ तक कैसे पहुँचाया कि मैं निराकार हूँ, या कभी उसने आकर उपस्थिति दिखाई कि हाँ मैं निराकार हूँ, लेकिन कैसे, स्वाभाविक है जिसका कोई आकार नहीं, जो जड़ चीज़ों से अलग है, जो जिसमें शरीर ही नहीं जिसमें कोई गुणधर्म नहीं संसार का, वो अपनी बातें कैसे रख सकता है। तो निराकार यदि वो है तो वो अपनी बात रखा कैसे, और यहाँ से कौन जाना कि हाँ वो निराकार है। अब दूसरी बात है कि मान भी लें कि चलो ठीक है, उन्होंने जाना, सब कुछ किया, संसार के समस्त शक्तियों का स्रोत है, जैसा कि उसने कहा कि जो खुदा है भगवान है वही शक्तियों के स्रोत हैं, वही सारे ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं, समस्त जीवों को संचालन करते हैं, उन्हीं की शक्ति से सब चलता है, उनके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, वो सर्वोत्कृष्ट शक्ति ही खुदा है भगवान है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हम ये भी मान लें कि कोई बात नहीं निराकार होते हुए अगर ऐसा कुछ संभव है, तो दूसरी बात यह है कि जो खुदा जो भगवान निराकार है और वो सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों का स्वामी है, और फिर अगर ऐसा है तो निश्चय ही वो दयालु भी होगा, क्योंकि सबका उत्पत्ति वहीं से हुई है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा फिर तो वो करुणावान भी होगा, उसने कहा हाँ। मैंने कहा निश्चय ही सारे सद्गुणों का स्वामी भी होगा, कहा हाँ। मैं कहा जो खुदा या जो भगवान सारे शक्तियों का स्वामी है, जो भगवान सारे ब्रह्मांडों का नायक है, जो भगवान करुणावान है दयावान है
प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, उनके इस सृष्टि में इतनी भिन्नताएं क्यों, उनके इस सृष्टि में इतने विरोधाभास क्यों? हिंदू अपने रास्ते पर चल रहा है, मुसलमान अपने रास्ते पर चल रहा है, ईसाई अपने रास्ते पर चल रहा है, वो सर्वोत्कृष्ट शक्ति, वो सत्ता कभी आकर अपनी उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं कराया कि तुम सब मत लड़ो, मैं ही हूँ सबका स्वामी, मैं ही हूँ सब रूप में, राम के रूप में मैं ही हूँ, मोहम्मद के रूप में मैं ही हूँ, ईसा के रूप में मैं ही हूँ, वो अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दिखाया? उनके इस सृष्टि में इतनी भिन्नता क्यों है, एक रूपता क्यों नहीं है? एक सामान्य प्रशासक भी चाहता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में सब कुछ नियम से चले, कोई अपने मन के अनुसार ना करे, कोई कानून के विरुद्ध ना चले। तो जो स्वयं सर्वोत्कृष्ट सत्ता है, जो संसार के नियंता हैं, जिसकी ही शक्ति से समस्त जीव संचालित है, तो मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि उस खुदा की इच्छा से ही सारे पाप होते हैं क्या? उस भगवान की ही इच्छा से सारे अत्याचार होते हैं क्या? सारे व्यभिचार होते हैं क्या? क्योंकि जो शक्तिशाली है, उसकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जिसने समस्त ब्रह्मांड को ही नियंत्रित कर रखा है, फिर उसके नियंत्रण में होते हुए इंसान इतना जघन्य अपराध कैसे कर रहा है? एक चोर, एक डकैत, एक दुराचारी, एक पापी, एक व्यभिचारी, एक भ्रष्टाचारी के सारे कार्य इतने सफलतापूर्वक कैसे संपन्न हो रहे हैं? तब उसने कहा कि नहीं, खुदा भगवान समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी जरूर हैं, वो संचालन जरूर करते हैं, लेकिन वो मन सबका स्वतंत्र कर दिए कि जो जैसा करे कर सकता है। आदमी स्वतंत्र है, वो कर सकता है, और फिर जब वो अच्छा करता है तब उसमें सहयोग देते हैं। मैं कहा फिर ये कैसा भगवान हुआ जो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है? तो वो तो ये कर ही सकता है, वो क्यों चाहेगा कि कोई गलत करे? क्या आप चाहते हैं आपके पुत्र गलत करे? आपके जब तक नियंत्रण में होता है, आप उसे गलत नहीं करने देते हैं। जो खुदा के नियंत्रण में है, जो भगवान के नियंत्रण में है, वो किसी को स्वतंत्र क्यों छोड़ेगा अगर वो गलत कर रहा है? और फिर गलत कर लिया तो फिर ये कहलवाया गया कि तुम अगर उनका नाम ले लो, हृदय से याद करो, खुश हो जाएंगे, फिर तुम्हें माफ कर देंगे। मतलब वो दुखी भी हैं, तुमसे खुश भी हो जाएंगे, और तुम जब तक प्रार्थना नहीं करोगे, अनुनय विनय नहीं करोगे, थोड़ी चापलूसी नहीं करोगे, तब तक वो खुदा या भगवान खुश नहीं हो सकते। जो इतनी सर्वशक्ति संपन्न है, वो मौका ही क्यों देते हैं गलती करने का? यदि कहीं चोरी होती है तो पुलिस का कर्तव्य क्या है कि पहले से पता कर लेना, चोरी होने ही ना दे। वो ऐसा तो नहीं करेगा कि पहले देखते हैं, चोरी करेगा, करके भागेगा, फिर बाद में जाएंगे, पकड़ेंगे, दंड देंगे। हमारे यहाँ जो एजेंसियाँ हैं, रॉ हैं, चाहे NI है, चाहे CBI है, ये लोग पूरे देश में लगे हुए हैं कि कहीं बम धमाका ना हो जाए, कहीं आतंकवादी घुस ना जाए। वो ऐसा तो नहीं करते कि घुसने देते हैं, धमाका होने देते हैं, बाद में पकड़ लेंगे। एक सामान्य आदमी भी चाहता है कोई गलत ना हो, उसे पहले ही हम रोक दें। तो इतनी शक्ति जिनके पास हो, जो समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हो, ऐसा भगवान क्या ये चाहेगा कि हाँ आदमी को हम पाप करने दें, इंसान को हम दुष्टता करने दें, इंसान को हम हिंसा करने दें? वो बेचारे मौन हो गए। उन्होंने कहा हाँ ये तो आदमी अपने मन से करता है। हम कहते तो क्यों करता है, खुदा क्यों नहीं रोकता, भगवान क्यों नहीं रोकता? वो रोक सकते हैं ना। अगर कोई शक्ति ऐसा है जो समस्त संसार को चला रहा है, उसके अधीन सब कुछ है, वो पाप होने नहीं देगा। तो कुछ लोग इसमें कहते हैं कि नहीं, वो लीला कर रहे हैं, वो खेल कर रहे हैं, वो भगवान है, कोई नौटंकी वाज नहीं है, वो लीला करें, खेल करें, कि इंसान के साथ मजाक करें। अगर वो सृष्टि के स्वामी हैं तो वो हर चीज़ व्यवस्थित देखना चाहते हैं। ये संदेश गीता में भी है, संदेश वेद में भी है। उसमें ये नहीं बताया गया कि नहीं, इंसान पहले झूठ बोले, इंसान पहले पाप करे, इंसान पहले हिंसा करे, फिर धीरे धीरे हम उसको रास्ते पर लाएंगे, उसको हम दंड देंगे। उसमें ऐसी बातें कही गई कि इंसान क्यों झूठ बोले, इंसान क्यों पाप करे, क्यों हिंसा करे। वो पहले से ही अगर सत्य के मार्ग पर चले तो अधर्म बढ़े ही ना,
और जब अधर्म ही ना बढ़े तो इतनी हाय हत्या, इतने दंड, इतने विधान, इतने नियम, इतने कानून की क्या जरूरत है? तो जब सब कुछ खुदा के नियंत्रण में है तो इतने पुलिस थाना क्यों हैं, इतने कोर्ट कचहरी न्यायालय क्यों हैं, इतने बम धमाके क्यों, इतने आतंकवादी क्यों, इतनी विषमता क्यों? देशों की सीमाओं पर तैनात सैनिक आए दिन लहूलुहान होते हैं, क्यों? मैंने कहा, अगर ऐसी कोई शक्ति है तो उसकी उपस्थिति का आभास समस्त सृष्टि को होना था। अगर ऐसी कोई शक्ति है तो उसकी उपस्थिति अगर सब जगह है तो उसका आभास किस रूप में दिखाई देता, ये आप भी जानते हैं कि अगर कोई महान शक्ति है जिसके सामर्थ्य में सब कुछ है तो इस सृष्टि का रूप कुछ और होता। ये आए दिन लड़ाई, ये आए दिन झगड़े, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक झगड़े, राष्ट्रीय झगड़े, वैश्विक झगड़े, ये नहीं होते, ये छल, ये कपट नहीं होते। जिसके अधीन सब कुछ हो वो सब कुछ सही करना चाहेगा। और जिस हिसाब से आपने कहा कि वो सर्वशक्तिमान है तो उसके लिए तो सेकेंड का भी काम नहीं समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांधने, बांध सकते हैं, लेकिन आए दिन उनकी उपस्थिति कहीं नहीं दिखती, पर उनके नाम पर आदमी लड़े चले जा रहा है, उनके नाम पर आदमी मरने को तैयार है, मिटने को तैयार है, बस इंसानियत धारण करने को तैयार नहीं है। उनके नाम पर बलि दी जा रही है कि वो खुश होंगे, उसने कभी आकर कहा भी नहीं, जिसे आप खुदा या भगवान कहते हैं, उसने कभी आकर बताया कि मुझे बकरी चाहिए, मुझे गाय चाहिए, कभी कहा नहीं? कहा हमने अपनी स्वादवश जिभ्या लंपटता के कारण हम जीव की हत्या करते हैं, फिर उसे स्वयं ही खा जाते हैं और नाम देते हैं भगवान का, उसके नाम पर कुर्बानी चलती है, उसके नाम पर बलि चलती है, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, गलत है। और कोई भगवान कभी रोका नहीं, जो खुदा जो भगवान समस्त सृष्टि का स्वामी है वो समस्त जीवों का भी पिता है। अगर वो समस्त जीवों का पिता है तो क्या अपने ही पुत्र की हत्या से वो प्रसन्न होगा? क्या आपके पुत्र की हत्या आपके सामने कर दिया जाए आप खुश होंगे? और आपके कुरान में अगर ये बात आई है कि कुर्बानी देनी चाहिए, तो जहाँ तक मैंने सुना है कि उसका भी अर्थ अलग है। वहाँ कुर्बानी की जहाँ चर्चा आई है वहाँ ये कहा गया है कि अपने प्रिय वस्तु की कुर्बानी देनी चाहिए। तो क्या आपको सबसे ज़्यादा प्रिय गाय है? मेरे ख्याल से गाय से भी ज़्यादा प्रिय तो आपको अपना पुत्र होगा, तो पुत्र की कुर्बानी दीजिए। और उससे भी ज़्यादा प्रिय आपका स्वयं का शरीर है, आप स्वयं की कुर्बानी दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। गाय मारता है, बकरी मारता है, ऊँट मारता है, ये खुदा ने नहीं कहा। ये खुदा के नाम पर चलने वाला सबसे बड़ा फरेब और झूठ है, ये भगवान के नाम पर चलने वाला सबसे बड़ी ठगी है। और सत्य तो ये है कि कुर्बानी अपने अहंकार की दीजिए, कुर्बानी अपने क्रोध की दीजिए, कुर्बानी अपने विकारों की दीजिए, सबसे बड़ी कुर्बानी यही होगी। अगर हम कुछ देना चाहते हैं भगवान को, गुरु को, तो अपने भीतर संकल्प लीजिए कि हमें अपने भीतर के समस्त बुराई, हम अपने भीतर की के समस्त विकार की कुर्बानी दे देंगे, उसकी बलि दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि बात ठीक है, लेकिन आदमी अपने अनुसार कर्म करता है और उसी अनुसार से भगवान उनको फल देते हैं। मैंने कहा, जब आदमी अपने अनुसार से ही कर्म करता है फिर फल देने वाला भगवान क्या क्यों है? अगर वो सब कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि आदमी पाप करेगा, फिर हम उसको फल देंगे, फिर उसको हम सजा देंगे, फिर उसे आभास कराएंगे, फिर वो धर्म के मार्ग पर चलेगा, तो ये तो मजाक चल रहा है। ये तो सामान्य बात है कि आपके हमारे बस में नहीं है किसी को रोकना, तो नहीं रोक पाते हैं, गलत करता है, फिर कानून के हिसाब से उसको सजा मिलती है। पर जहाँ तक संभव होता है आदमी कोशिश करता है कि वो पाप करने से पहले उसको रोका जाए, बच्चों को सही संस्कार दिया जाए ताकि वो पाप के मार्ग पर ना चल सके। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि में सकारात्मक और नकारात्मक दो शक्तियाँ जरूर है। सत्य की शक्ति है, जब व्यक्ति सही संकल्प लेता है, पवित्र मन से सही मार्ग पर चलने की चेष्टा करता है, तो सकारात्मक शक्तियाँ उसके साथ खड़ी हो जाती है। फिर ये समझ लीजिए कि मानो समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति उसके सहयोग में खड़ी हो जाती है। और जो मांसाहार करता है, भक्ष भोजन करता है, जो नशा करता है,
जो बुरे विचारों के साथ जीता है, नकारात्मक शक्ति, अंधकार की शक्ति, झूठ की शक्ति उसके साथ होती है और वो उससे कदम कदम पर उसको वो पाप करने में सहयोग करती है। तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि सृष्टि में दो शक्तियां हैं और ये सत्य की शक्ति ही भगवान है, ये प्रेम की शक्ति ही भगवान है। जब हम इसे धारण करते हैं, जब इसमें हम पूर्णता हासिल करते हैं, तो हम भी उसी भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फिर अंत में मैंने कहा, रही बात माता पिता गुरु को भगवान मानने की, तो भगवान का तात्पर्य, भगवान का अर्थ ये होता है जिनके कर्म महान हैं, जिनका आदर्श महान है, जिनका व्यक्तित्व महान है, जो मनसा वाचा कर्म ना निर्मल हैं, पवित्र हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान स्वरूप हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा स्वरूप हैं। और इस भाव से हम उन्हें भगवान मानते हैं। और आप देखें, हमारे वेदों में ये बात कही गई, माता देवता हैं, पिता देवता हैं, गुरु देवता हैं, वहाँ इन्हें देवता का रूप माना गया है। चूँकि दिव्य गुणों से संपन्न जिनका जीवन है वही तो देवता है, वही तो भगवान है। और गुरु इसी अर्थ में देवता है, माता पिता इसी अर्थ में देवता है, क्योंकि वो हमें जीवन देते हैं, बल्कि वो हमें शरीर देते हैं और गुरु उस जीवन को सुंदर बनाने की विधा देते हैं, रास्ता देते हैं। इसलिए अगर हम ये सोचते हैं, ये मानते हैं, ये विचार करते हैं कि कोई शक्ति है, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो समस्त सृष्टि का संचालन करती हो, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सबके मन का नियंत्रण कर रहा हो। अगर ऐसा होता तो ये पाप होते ही नहीं, सब धर्मात्मा होते, सब सत्य के पथ पर चलने वाले होते। क्योंकि खुदा हो या भगवान हो, जो इतना शक्तिशाली होगा वो कभी पाप होने ही नहीं देगा। वो अपनी सृष्टि को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना के रखेगा, वो अपने इस समस्त सृष्टि में समस्त जीवों को इतना पवित्र बना के रखता, क्योंकि उसके शक्ति के बाहर जाकर के कोई अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो नियंत्रण मन को भी तो कर सकता है। इसलिए ये सिर्फ कल्पनाओं की बात है, और कल्पनाओं से मुक्त होने की बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि यथार्थ में आइए, हो हुजूर ठाड़ कहतो अबतय समर संवार, तुम ही स्वामी हो, तुम ही हुजूर हो, अगर अपने मन वचन कर्म को तुमने निर्मल बना लिया तो तुमसे बड़ा फिर कौन है, तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। और ये आत्मा का स्वरूप ही तो है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही तो है, प्रेम ही तो है, सत्य ही तो है, करुणा ही तो है, और यही तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये कभी मिटता नहीं। और जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वही तो सनातन है, वही तो शाश्वत है। इसलिए इस तरह से जब हम मानते हैं तो हमारे जीवन में निश्चय ही हम इन सारे विरोधाभास को समझ जाते हैं। इसके बाद उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया और वो उठकर चले गए, बस इतना ही कहते हुए कि हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी प्रसन्नता हुई, बस। इसके बाद मैंने भी कुछ नहीं कहा। और फिर मैं ये सोचता रहा कि इंसान कितनी भ्रांति में जीता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, एक अलग कल्पना में जी रहा है। वो पाप कर रहा है, अधर्म कर रहा है, लोगों के साथ छल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सोच रहा है ऊपर कोई खुदा बैठा है, कोई भगवान बैठा है। अब सोचिए, जो नहीं मानता है ऐसा, पाप तो उसे करना चाहिए, उसे कोई भय नहीं, पर जो लोग ऐसा मानता है कि ऊपर कोई भगवान बैठा है, ऊपर कोई खुदा बैठा है, जो समस्त सृष्टि का नियंत्रक है, वो आदमी पाप भी कर रहा है, वो आदमी छल भी कर रहा है, वो आदमी अधर्म भी कर रहा है, वो चर्चा भी कर रहा है खुदा है, सर्वशक्तिमान है, वो पाप भी कर रहा है। मतलब उसके ही जीवन में विरोधाभास है, वो खुदा को मानते हुए, भगवान को मानते हुए पाप कर रहा है। यानी भय नहीं है उसे कि हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या दिखाएंगे। तो इस विरोधाभास से तो बाहर निकलने की जरूरत है, बल्कि ऐसे लोगों को तो और धर्मात्मा हो जाना चाहिए और पुण्यात्मा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा को मान रहा है, कोई अलग शक्ति को मान रहा है, उसके भय से उसको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। पर ऐसे लोग और ज़्यादा अधार्मिक होते हैं, ऐसे लोग और ज़्यादा पापी होते हैं। और ऐसे ही पापों से मुक्ति का मार्ग सदगुरु कबीर देते हैं कि जब आपका मन वचन कर्म निर्मल हो जाए, आप धर्म को उपलब्ध हो गए, क्योंकि वो धर्म प्रेम है, इंसानियत है, सत्य है। तो इस तरह से जब हम धर्म को उपलब्ध होते हैं,
फिर परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। जैसे कि वेद ने भी कहा है अहं ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। तो इस समस्त सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो हैं तो ब्रह्म स्वरूप ही, लेकिन अपने भीतर जो अविद्या का अज्ञानता का पर्दा लगा है उसे वो मिटा नहीं पाते। और जिस दिन हम अपने भीतर ज्ञान को समाहित करते हैं, वो ज्ञान का उजाला होता है, निर्भ्रांत ज्ञान का उजाला होता है, यथार्थ ज्ञान का उजाला होता है, सारे पर्दे हट जाते हैं, सारी अज्ञानताएं मिट जाती हैं, फिर परमात्मा स्वरूप में हम स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो बस इसी अवस्था को हम अपने जीवन में धारण करें। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देते, वाणी को विराम।